नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम आपको आज 1 जून से 21 जून तक बिगनर्स के लिए एक योगा सीरीज बताएंगे। यह अभ्यास जो लोग योग में बिगनर हैं और कठिन योगा अभ्यास नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन अभ्यासों को आप नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजिशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम बैठ कर कोई भी अभ्यासों को प्रैक्टिस करें तो आपने ऐसे ही दंडासना की पोजिशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं। और फिर आपने सबसे पहले अपनी पैरों की अंगुलियों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ करते हैं। अपनी अंगुलियों को ऐसे तानते हुए जितना पीछे कर सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे, ऐसे ही 4 से 5 बार करने के बाद फिर अपने पंजों को ऐसे पीछे की तरफ करें, श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर ऐसे अपने पंजों को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और फिर ऐसे अपने पैरों को अप डाउन कर करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पैर को सबसे पहले ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे पंजे को आगे की तरफ तानते हुए ऐसे पैर को सीधा करें, फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी साइड से। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को फिर अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पैर से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर विपरीत दिशा में। नीचे की दूसरी साइड से साइड से फिर विपरीत दिशा में। फिर सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे मोड़कर अपने लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास हमें पद्मासना की तैयारी भी कराता है। फिर दूसरी साइड से, फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलबों के नीचे से रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। पैन से किन ऐसे ही रुके हैं, फिर नीचे की दूसरी साइड से, ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। फिर अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास ऐसे रखते हुए ऊपर नीचे ऐसे बटरफ्लाई पोज को कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट तक कीजिए। यह अभ्यास हमारे
शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और फिर ऐसे ही सीधे पैर जाते हैं, श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने माथे को ऐसे जमीन पर लगा लें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे बांध लें और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करें। अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। ऐसे अपने पंजों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 4 से 5 बार अप डाउन करो, फिर धीरे धीरे नीचे।